हेलो दोस्तों। तो सीटी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हमारे हो चुका है, तो आप सभी पेपर कैसा हुआ? आशा करते हैं बहुत अच्छा हुआ होगा। तो आंसर की बात कर लेते हैं अपन पेपर सॉल्यूशन में। आंसर की तो डायरेक्ट अपन आंसर की बात करेंगे आज, और जल्दी से 150 ही प्रश्न के आंसर की बात करें। सबसे पहले अपन मतलब कि राजस्थान जी के, भरत जी के, और जो दूसरे प्रश्न हैं उनकी बात करते हैं, उसके बाद दूसरे प्रश्न लेंगे। बात करते हैं, सबसे पहला प्रश्न क्या था? पृथ्वीराज तृतीय का महोबा के शासक चंदेल को कब हराया था? तो इसमें हमारा आंसर 1182 करेक्ट है। तो आपने कौन सा आंसर करेक्ट लगाया कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न, उदयपुर का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सैलियों की बाड़ी, इसका निर्माण किसने करवाया? तो संग्राम सिंह, उदय सिंह, सूरजमल, शंभू सिंह। किसने निर्माण करवाया? संग्राम सिंह। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आपने कौन सा लगाया कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न क्या है अपने, अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है क्या है, राणे जगपत राम मर्शिया, ये थोड़ा नया प्रश्न है, किस शासक की मृत्यु पर शोक मनाने के लिए लिखी गई? तो इसमें हमारा अपनी किस्मत आज आजमाइएगा, क्योंकि तुक्का ही लगाया होगा सबने। तो हमारा जगत सिंह ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें। तो आपसे आपका कितनों का आंसर करेक्ट निकला है कमेंट करके बताइए। ये थोड़ा चौथा प्रश्न है, इसको भी एक बार देख लेते हैं, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा मैं। CAT बराबर 48 है, तो MOUSE माउस बराबर क्या होगा? तो CAT जो है इसका मतलब कि सबसे पहले तो इनका नंबर देगा कितने नंबर पे हैं, और फिर उनको जोड़कर डबल किया है तो 48 आए। तो इसको भी ऐसे ही नंबर देख के जोड़ के डबल करेंगे तो 146 आएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो कितनों के 146 आ रहा है कमेंट करके बताना। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है अपना, अगला क्या है, अगला प्रश्न है विषम को चयन कीजिए, तितर बितर होना, संचित करना, संकलित करना, एकत्र करना। तो कौन सा हो जाएगा? संकलित, एकत्र, सब, संचित, ये तीनों एक हैं। ये तितर बितर करना मतलब बिखेरना, ये अलग हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बजट वर्ष में रेलवे बजट को भी बजट संघ के शामिल कर लिया गया, यानी आम बजट में रेलवे बजट को किस वर्ष शामिल किया गया? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 2016-17 में किया गया, मतलब रेलवे बजट को आम बजट में शामिल। अगला प्रश्न क्या था? तो अगला प्रश्न था, जिस दर से भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कितनों का आंसर करेक्ट है कमेंट करके बताइए। बजट 2025 की 2024-25 की घोषणा के अनुसार राजकोषीय घाटा 2024-25 सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 5.5, 4.9, 5.8, 5.1। 4.9 आंसर करेक्ट हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली और शौकत अली, महाराजा हरी सिंह और शौकत अली, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, महात्मा गांधी और खान अब्दुल गफ्फर खान। इसने क्या, मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न क्या था हमारा, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में 14-15 अगस्त को मध्य रात्रि में भाषण दिया जो था, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको नाम किस नाम से जाना जाता है? इंडिपेंडेंट इंडिया, होप फॉर द बेस्टर बेटर फ्यूचर, विंग्स ऑफ द चैलेंजेस, या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। तो इसे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न क्या था, तो इसमें अगला प्रश्न था, राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में किन रियासतों को मिलाया गया था? तो 73 राजस्थान बनाने के लिए किन रियासतों को मिलाया गया था? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासतों को मिलाया गया था इसमें। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? 14 प्रश्न है, प्रथम लोकायुक्त। तो आपने क्या आंसर कमेंट करके बताइए, क्या आंसर लगाया आपने? तो इसमें हमारा आंसर तो करेक्ट है, ID दुआ, जस्टिस ID दुआ जो करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारे कार्यकाल से संबंधित, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो कितना होता है, 3 वर्ष या 70 वर्ष जो पहले हो। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 3 वर्ष या 70 वर्ष जो पहले हो। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य महिला की प्रथम महिला राज्यपाल या गवर्नर कौन थी? प्रतिभा पाटिल, मार्गरेट अल्वा, प्रभा राव, कमला बेल्लीवाल। कौन थी? प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय मुख्य पीठ कहाँ स्थापित की गई? तो राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ स्थापित की गई? जोधपुर में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जोधपुर में स्थापित की गई। अगला प्रश्न हमारे हैं ये दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय से संबंधित प्रश्न है, 24वां, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के बारे में सत्य कथन नहीं है। तो इसमें हमारा कौन सा, इस क्षेत्र में वर्ष पर्यंत वर्षा अच्छी वर्षा होती है, तो वर्ष में ये तो करेक्ट है, सही है। पश्चिम बंगाल, नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान हिमालय से गिरे हैं, ये भी करेक्ट हैं। इस क्षेत्र के उच्च स्थानों पर मोनपा का निवास है, उच्च पर्वत शिखरों का क्षेत्र है, ये भी सही है। तो इसमें गलत हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन गलत, क्योंकि इसके उच्च स्थानों पर मोनपा का निवास नहीं है।
अगला प्रश्न, दुधमा जलप्रपात किस राज्य में है? तो दुधमा जलप्रपात जो है वो किस राज्य में है? दुधमा जलप्रपात हमारे ओडिशा में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी की बाएं तट की सहायक नदी का नाम बताइए। कामेंग, संकोस, बोरी दिरंग, सुबन सिरी। तो ब्रह्मपुत्र नदी की बाएं तट की मतलब की सहायक नदी है बोरी दिहंग। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है असमर्थनीय, अनएक्सेप्टेबल, अनटेनेबल, अनएक्सेप्टेबल या अटेनेबल। तो असमर्थनीय को क्या कहते हैं इंग्लिश में? अनएक्सेप्टेबल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग शुरू हुआ था? कौन सी पीढ़ी में मतलब कि इंटीग्रेटेड सर्किट का शुरू मतलब कि उपयोग शुरू हुआ था? तो तीसरी पीढ़ी में। वयस्क मानव दंत सूत्र हैं, तो वयस्क मानव दंत सूत्र 21/22, 22/22, 22/13/22/13, 21/23/21/23, 21/12/21/12, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 21/23/21/23। अगला प्रश्न, तो रक्तदान ट्रांसफ्यूजन एक पद्धति है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रसंस्करण तंत्र में रक्त उत्पादों अथवा रक्त का संचारित किया है करता है। पहला रक्त संचरण कॉल लैंड स्टिनर द्वारा किया जा गया था, इसमें हमारे दोनों करेक्ट हो जाएंगे, कथन ए और कथन बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? प्लास्टर ऑफ पेरिस सी ए एस ओ फोर आप एस टू सही है, वॉशिंग सोडा एन ए टू सी ओ थ्री ये भी सही है, बेकिंग सोडा एन ए सी ओ थ्री ये भी सही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र सी ए ओ नहीं है, सी ए ओ जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है स्टोरेज स्पेस के अनुसार निम्न में से कौन सा अवरोही क्रम में व्यवस्थित है? अवरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम से घटते क्रम में, ये निबल तो ये छोटा हो गया, ये तो बढ़ते क्रम से घटते क्रम में नहीं है, और के बी से के बी के बाद एम बी नहीं आता, एम बी पहले आता है, ये भी गलत हो गया। बाइट एम बी निबल के बी के बाद आता है निबल, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, एम बी के बी बाइट निबल ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, परम की एक श्रृंखला है जिस सीडेक पुणे द्वारा भारत में असेंबल किया गया था। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, तो कंप्यूटर की कौन सी पीडी में सेक्रेटरी मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था? कंप्यूटर की कौन सी पीडी, दूसरी, चौथी, तीसरी, पहली? पहली ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पहली पीडी में सेक्रेटरी और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ था। अगला प्रश्न, एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कौन से वर्ष में हुई? तो 1950, 1953, 1951, 1947 कब हुई थी? 1948 में हुई थी। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है भारत की स्वतंत्रता के बाद रियासतों के कई शासक संविधान सभा से जुड़ने के विरुद्ध थे। शाही रजवाड़ों की अनुक्रिया का अर्थ था कि स्वतंत्रता के बाद एक बड़ी संभावना में भारत के कई छोटे देश बनेंगे, दोनों करेक्ट हैं, जिसमें हमारे मतलब की दोनों करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि कई रियासतें थी जो इसके विरुद्ध में थी और कई रियासतें चाहती थी कि हमारा अलग से यूनियन बना दिया जाए। अगला प्रश्न है बालाथल सभ्यता पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? माउंट आबू सिरोही, अजमेर, हनुमानगढ़, वल्लभ नगर। आप स्थित है वल्लभ नगर उदयपुर में। अगला प्रश्न, तो तारों का एक समूह जो एक साथ बीट्स के एक समूह को ले जाता है यानी समानांतर में एक संबंधित नियंत्रण योजना के रूप में जाना जाता है। डाटा के बाद रजिस्टर, बस और तारों, कौन सा? बस, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो आपने कौन सा लगाया कमेंट करके बताइए। भारत का प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था? तो प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था कमेंट करके जल्दी से आंसर बता दीजिए। आपका आंसर कमेंट है कि नहीं देखते हैं। इनसेट वन, कल्पना, आर्यभट्ट, भास्कर, कौन सा हो जाएगा? आर्यभट्ट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर कमेंट करते चलना, आपने कौन सा लगाया है, कितने प्रश्न आपके करेक्ट हो रहे हैं। अगला प्रश्न है टेलीफोन उपकरण का वह कौन सा भाग है जो आवाज़ को स्वीकार करता है, उस सूचना को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भेजता है? केबल, माउथपीस, डायलर, रिसीवर, कौन सा हो जाएगा? तो माउथपीस, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया का माध्यम नहीं है? ट्विटर, ब्लॉगिंग, ब्रॉडबैंड, फेसबुक, तो कौन सा सोशल मीडिया का माध्यम नहीं है? तो हो जाएगा हमारे ब्रॉडबैंड, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ब्रॉडबैंड जो है वो सोशल मीडिया का माध्यम नहीं है। अगला प्रश्न, तो प्रसिद्ध कलाकार के नाम में भारत उत्सव में बहुरूपीय कला का राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया? जानकी लाल बांड, जय सिंह राठौड़, अमर सिंह राठौड़, झमना लाल भट्ट, तो जय जानकी लाल बांड ने इसका मतलब कि क्या बहुरूपीय कला का प्रतिनिधित्व किया। अगला प्रश्न, सूची ए को सूची बी से मिलाइए, तो जय सिंह की छतरी और मुंशी नारायणी छतरी, गोपाल सिंह की छतरी, सेठों की छतरी,
तो सवाई जयसिंह की छतरी हमारे जयपुर के शासक हैं गेटौर में होगी, गेटौर की छतरियाँ मतलब कि जयपुर की छतरियाँ गेटौर में हैं, मुंशी महारानी की छतरी अलवर में है। तो एक का तीसरा बी का पहला, एक का तीसरा इसमें नहीं है ये कट गया, एक का तीसरा इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है। तो एक पहले आंसर से हो गया हमारे सी का, सी में एक का तीसरा बी का पहला सी का चौथा डी का दूसरा। सी का चौथा करौली में है, राम गोपाल सिंह की सेठों की छतरी रामगढ़ में है। अगला प्रश्न अपना, तो आपका आंसर एक करेक्ट है नहीं है कमेंट करके बताइए। अच्छा प्रश्न था ये, वागड़ की मीरा किस को का नाम मतलब कि वागड़ की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो कमेंट करके बताइए आपका आंसर करेक्ट है नहीं। देखते हैं, कर्मावती, पन्ना दाई, गौरी बाई, राणा बाई। तो गौरी बाई ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्न में से किस भारतीय का चयन स्वर्णिम पर्यावरण पुरस्कार 2024 हेतु हुआ है, आलोक शुक्ला, राजेंद्र सिंह, तुलसी गौड़, घोड़ा, रमेश चंद्र अग्रवाल। तो आलोक शुक्ला का चयन हुआ है स्वर्णिम पुरस्कार पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए। अगला प्रश्न था हमारे किस मंत्रालय ने स्वच्छ स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 मेरा शहर मेरी पहचान है का सर्वेक्षण प्रारंभ किया, एमएसएमई मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, आवासन एवं शहरी मतलब कि कार्य मंत्रालय ने मेरा शहर मेरी पहचान सर्वेक्षण प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न था देश की स्वतंत्रता के पश्चात राजपूताना ने कि किन तीन राज्यों ने भारत संघ में विलय के तहत मतलब कि का विलय किसके तहत किया गया था, इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, किसके तहत किया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत किया गया था, देख लीजिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कृषि का कौन सा संस्थागत कारक कृषि उत्पादकता प्रारूप को प्रभावित करता है, शिलाकृति, फसल बीमा, अधीनस्थ कृषि का आकार या रासायनिक उर्वरक। तो संस्थागत कारक और कृषि उत्पादकता और प्रारूप को प्रभावित कौन सा कारक करता है, कमेंट करके बताइए आपने कौन सा लगाया, इसको लास्ट में देखते हैं। अगला प्रश्न, नरमा राजस्थान की किस फसल से संबंधित है, तो ऑप्शन कपास, कॉफी, चाय, जूट। तो ये तो बहुत सरल है, नरमा जो है कपास की किस्म है, नरमा कपास की किस्म है। अगला प्रश्न, 52वां प्रश्न, 52वां देख लेते हैं, माई सिस्टर बेक डेक केक। तो ये पास्ट पास्ट मतलब सिंपल का टेंस है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करता है। तो एक केक इज बीइंग इज तो आ ही नहीं सकता, एक केक वॉज बेक्ड बाई माई सिस्टर, अ केक वॉज बीइंग नहीं आ सकता क्योंकि कंटिन्यूस में नहीं है, हैड बीन बेक्ड बाई माई सिस्टर ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ए केक वॉज बेक्ड बाई माई सिस्टर पैसिव वॉइस में हो जाएगा। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है अपना, इसमें हो जाएगा अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भाषा का राजभाषा है, तो हिंदी भाषा को राजभाषा किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है, 343, अनुच्छेद 343 में। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न हमारे किस जीके से संबंधित देखते हैं नेक्स्ट। तो सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, सरदार पटेल, मोहम्मद रसूख खान, अब्दुल गफार खान, महात्मा गांधी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, खान अब्दुल गफार खान को जाना जाता है सीमांत गांधी के नाम से। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है शहरी जनजाति से संबंधित, सॉरी कुचामणी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही है, कुचामणी ख्याल जो है वो प्रसिद्ध लोक नाट्यकार लच्छी राम जी हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, चांद, नीलगिरी, राउत, रिदमल, मीना मंगल, लच्छी राम द्वारा प्रमुख ख्याल है। कुचामणी ख्याल मुक्त नाट्यशाला थिएटर में निष्पादित नहीं किया जा सकता, ख्याल ढोल, सारंगी, सैनाई, ढोलक वाद्य यंत्र के साथ सहयोगी हैं, इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हमारा सबसे पहले तो डी तो बिल्कुल करेक्ट है और एक बिल्कुल करेक्ट है, ए और डी इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, ये दो तो कट गए, ए सी डी और ए बी डी। तो बी में ये जो मुक्त नाट्यशाला में निष्पादित नहीं होता ये करेक्ट है क्योंकि ये खुले मंच पर निष्पादित होता है, ये थिएटर में नहीं हो सकता, तो ए सी डी सही हो जाएगा, ए सी डी सही हो जाएगा, बी गलत है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, चंद्र मीणा पर विजय के उत्सव में कछुआओं द्वारा कौन सा मेला शुरू किया गया, पुष्कर मेला, खड़गणी माता डंकी मेला, भारथरी मेला, डिग्गी कल्याण जी का मेला। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, डिग्गी कल्याण जी का मेला शुरू किया गया। अगला प्रश्न, भारत के योजना आयोग का गठन कब हुआ, भारत के योजना आयोग का गठन कब किया गया, तो आंसर कमेंट करके बताइए आपने कौन सा लगाया, इसमें तो हमारा आंसर करेक्ट है 15 मार्च 1950 को। अगला प्रश्न है, वर्गीज कुरियन भारत में किस क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, तो वर्गीज कुरियन का संबंध श्वेत क्रांति से था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वृहत श्रेणी का उद्योग नहीं है, कौन सा वृहत श्रेणी का उद्योग नहीं है,
तो इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सूती कपड़ा जो है वो एक वृहत श्रेणी का मतलब कि उद्योग नहीं है। खादी ग्रामीण बोर्ड है, लौह इस्पात है, प्रसन्न है। अगला प्रश्न, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरुण जेटली, अरविंद पनगड़िया, नंदन निलेकनी और नरेंद्र मोदी। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया, इसके नीति आयोग के। अगला प्रश्न है, अरावली श्रृंखला के निम्नलिखित शिखरों में से कौन सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़, कमलनाथ, जागरा, कुरुशिखर। कुरुशिखर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 1722 मीटर ऊंची है, सबसे ऊंची है इसकी तो अरावली की शिखर की। अगला प्रश्न है, काली सिंध तापीय परियोजना राजस्थान किस क्षेत्र से संबंधित है? काली सिंध तापीय परियोजना बीकानेर, कोटा, बाड़मेर, झालावाड़। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, झालावाड़ से संबंधित है काली सिंध तापीय परियोजना। अगला प्रश्न है, चना राजस्थान में रबी की फसल उगाया जाता है, तिलहन राजस्थान में रबी और खरीफ दोनों मौसम में उगाई जाती है। तिलहन में हमारे मूंगफली भी आती है, सोयाबीन भी आता है और हमारे इस तरफ देख लें तो दालें भी आती हैं, तो रबी और खरीफ दोनों की फसल हो जाएगी, दोनों कथन सत्य हैं। और चना तो हमारे रबी का फसल है ही, ये तो कथन सत्य है ही। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है अपना सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ब्यास, झेलम, चेनाब, सतलज। तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा हेमकुंड साहिबा कहाँ स्थित है? तो हेमकुंड साहिबा जो है किस हिमालय में स्थित है? गढ़वाल हिमालय, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, गढ़वाल हिमालय में स्थित है। सेवन दमन कराड़ ये किसके हैं? ये हमारे घास के प्रकार है, मरुस्थली घास के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है अपना, अगला प्रश्न है 91, रामगंज मंडी जिसे धानिया शहर के नाम से जाना जाता है राजस्थान किस शहर के नजदीक है? उदयपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, जोधपुर। तो रामगंज मंडी कहाँ है? कोटा में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कोटा में स्थित है, जहाँ पर दूसरा स्पाइस पार्क हमारे स्थित है, मसाला शहर स्थित है, सॉरी मसाला पार्क स्थित है। 2000 कौन सा राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला 2022 देश में राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन के लिए जाना जाता है? जैसलमेर, कोटा, बूंदी, श्रीगंगानगर। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो कमेंट करके बताइए आपने कौन सा आंसर लगाया, चावल मिले, कपास उद्योग, लौह इस्पात, दालें मिले। तो आपका आंसर कमेंट है सही है कि नहीं है देख लीजिए, ऑप्शन इसमें हमारा बी करेक्ट है, लौह और इस्पात जो है वो कृषि आधारित उद्योग नहीं है। अगला प्रश्न, भारत में नीली क्रांति किस कालावधि से प्रारंभ हुई? तो नीली क्रांति का संबंध किस कालावधि से है? 1990-95, 1975-80, 1985-90, 1980-85। अपना आंसर कमेंट करके बताइए आपने कौन सा आंसर लगाया, इसमें हमारे 1985-90 करेक्ट हैं। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु स्थित? ये तो वंश को रिपीट हो गए, अगले देखते हैं, ये रिपीट वापस रिपीट हो गया हमारे PDF में। नाइन्टी से ऊपर प्रश्न में अपन चल रहे थे, तो देखते हैं फिर से, ये प्रश्न हमारे हो गया था, गेहूं का उत्पादन वाला हो गया था और ये भी लौह इस्पात वाला भी हो गया था, नीली क्रांति भी हो गई थी। अगर ये देखते हैं अगला प्रश्न 95 वाला, राजस्थान पूरे देश में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक उत्पादक है? चावल, चाय, ऊन, गेहूँ। तो राजस्थान किस में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? ऊन का, ऊन ऊन का बहुत सबसे ज़्यादा उत्पादन ऊन का राजस्थान करता है। किस शहर को राजस्थान में खाद्य का कटोरा जान के नाम से जाना जाता है? खाद्यान्न कटोरे के नाम से, श्रीगंगानगर, अजमेर, बीकानेर, अलवर। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, श्रीगंगानगर को खाद्यान्न के कटोरे के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, PMKYC कब किस वर्ष लागू की गई? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है किस वर्ष लागू की गई? 2015-16 में प्रधानमंत्री कृषि योजना शुरू की गई। अगला प्रश्न, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? उदयपुर, माउंट आबू, जयपुर, जोधपुर। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान जो है किस शहर में स्थित है? ये हो जाएगा उदयपुर, दुर्गापुरा, दुर्गापुरा उदयपुर में स्थित है, सॉरी जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, प्राकृतिक रबर किसका पॉलीमर है? प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का पॉलीमर है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आप क्या करेक्ट है नहीं है कमेंट करके बताइए, कितने प्रश्न अभी तक करेक्ट हुए हैं आपके कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। बाईफोकल लेंस का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी कमी को दूर करने के लिए किया जाता है? जरा दृष्टि दोष, बुढ़ापा, हाइपरमेट्रोपिया, मोतियाबिंद, निकट दृष्टि दोष।
तो बाइफोकल लेंस का उपयोग जरा दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? जरा दृष्टि दोष को कम करने के लिए, मायोपिया को। अगला प्रश्न है अपना, तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया था? तो उत्तराखंड की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी? रितु बिहारी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रितु बिहारी जो थी उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहले मुख्य न्यायाधीश थी। जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है? जीवाश्म पार्क का केवला देव घना उद्यान, रणथंबोर, सरिस्का, अकलवुड। तो जीवाश्म पार्क कौन सा है? अकलवुड कहाँ पर है? जैसलमेर में, जैसलमेर में स्थित है। अगला प्रश्न है अपना, शहरी जनजाति के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो चौहान, डोडिया आदि इसके गोत्र हैं। चौहान और डोडिया, याद रखना, चौहान और डोडिया इसके गोत्र हैं। जनजाति का मुखिया तापड़ा कहलाता है, जनजाति का मुखिया कोतवाल कहलाते हैं, कोतवाल कहलाते हैं। और कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं, परंतु इनके इष्ट देव बैरू परानी हैं। और शहरी जनजाति निवास दक्षिण पूर्वी राजस्थान में 12 जिले के शाहबाद और किशनगढ़ तहसील है। तो डी तो करेक्ट है, इसमें गलत कौन सा है? तो तपाड़ा है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इसके मुखिया को कोतवाल कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष भारत की नवीन आर्थिक नीति शुभारंभ किया? भारत की नई आर्थिक नीति का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? तो 1991, 1993, 1990, 1992। आपने कौन सा लगाया? इनमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, 1991। आपका करेक्ट है नहीं है, कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न, भारत कृषि में से खाद्यान्न के वितरण की मुख्य जिम्मेदारी किसकी है? भारत खाद्य निगम, कर्मचारियों का राज्य बीमा, भारत खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारतीय मानक संस्थान। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, भारतीय खाद्य निगम की जिम्मेदारी है। अगला प्रश्न है, भारत में जन्मी कौन सी अंतरिक्ष यात्री जिनकी वापसी के दौरान कोलंबिया में भारतीय अंतरिक्ष यान के मृत्यु हो गई? कौन सी है? तो सुनीता विलियमसन, सिरिसा बांदला, ऋतु कुंदल। अभी सुनीता विलियमसन तो अभी गई थी, कल्पना चावला। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कल्पना चावला जो है कोलंबिया में इनकी मृत्यु हो गई वापस लौटने के दौरान। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है अपना, निम्न में से कौन सी राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI संबंधित परियोजना नहीं है? राजस्व खुफिया एवं विश्लेषण, ऑडियो एनालिटिक्स, UID और राजबोट। कौन सा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, राजस्व खुफिया और विश्लेषण। अगला प्रश्न है अपने, यह है अपना 120वां प्रश्न, पश्चिमी घाटों के किस राज्य में सौदरी नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाटों को सौदरी नाम से महाराष्ट्र में जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को सौदरा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कत्था कौन से वृक्ष का आंतरिक लकड़ी से प्राप्त होता है? तो कुसुम, सहतूत, कुल वृक्ष या फिर खैर। खैर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, खैर जो है उससे कत्था प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है अपना, ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में स्थान रहा है, 71वां, 91वां, 37वां, 17वां। भारत का स्थान कौन सा रहा है? 71वां। और फर्स्ट स्थान किसका रहा है? चीन का फर्स्ट स्थान रहा है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एडवांस 2024 की मेजबानी की? तो किसने की? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा, राजस्थान। तो किसने की थी? तो इसमें हमारा आंसर करेक्ट कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हमारा गोवा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आप एक बार और चेक कर लेना ये सही है या नहीं, तो लास्ट में और देख लेंगे इसको एक बार। 2004 में चंदौली का को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने किया गया था, भारत के कौन से राज्य में है? चंदौली राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में है? तो मेघालय, हरियाणा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा ने राज्य सरकार की नौकरियों में SC ST OBC और EWS का आरक्षण 70% से 60% से 70% तक कर दिया है? झारखंड, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, झारखंड विधानसभा ने। अगला प्रश्न है जलोढ़ मिट्टी पर्याप्त पोटास, फास्फोरिक एसिड और चूना पाया जाता है, और गन्ने, धान और अन्य अनाज की तुल दलहन के उत्पादन के लिए आदर्श है। जलोढ़ मिट्टी जो है वो सबसे अच्छी मिट्टी है, ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है, पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन होती है और इसे सर्वाधिक उत्पादन होता है महाराष्ट्र में। दोनों कथन सही है, ऑप्शन ये भी नहीं है और दोनों कथन सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पिछोला झील राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है?
अजमेर, कोरोली, भिलवाड़ा, उदयपुर। तो किस स्थान पर है? उदयपुर में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पिछोला झील उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है? ये तो किसी के गलत होना ही नहीं चाहिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अभी परियोजना भी चली थी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए, तो गोडावन, गोडावन ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य सरकार द्वारा लगाया या संग्रहित नहीं किया गया है? तो भूमि कर, संरचना कर, आयकर, सड़क वाहन कर, कृषि आयकर। कौन सा कर जो है वो राजस्थान राज्य सरकार द्वारा नहीं लगाया जा सकता? तो भूमि और संरचना कर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का एक मुख्य विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है, राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सा बांध जिसका सिंचाई और जल विद्युत दोनों में उपयोग किया जाता है? राणा प्रताप सागर, जोई बांध, वेजा बांध, राम सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध जो है इसका उपयोग मतलब कि सिंचाई और जल विद्युत दोनों में किया जाता है। राजस्थान में कौन सी दो नकदी फसलें हैं? गेहूँ और चावल, जौ, तिलहन, बाजरा और धानिया, कपास और तंबाकू। कौन सी दो नकदी फसलें हैं? कपास और तंबाकू। अगला प्रश्न क्या है, इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में समाप्त होती है? जैसलमेर, उदयपुर, भरतपुर, जोधपुर। कहाँ पर समाप्त होती है? जैसलमेर में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जैसलमेर में समाप्त होती है। अगला प्रश्न, और इसका ब्लैक 0 पॉइंट कौन सा है? गटरा रोड। 2023 में राजस्थान राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इंद्रजीत खन्ना, अमर सिंह राठौर, मधुकर गुप्ता, एनआर भसीन। कौन थे? मधुकर गुप्ता। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 146वां प्रश्न। तो 146वां प्रश्न कौन सा है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और संबंध है इससे संबंधित है? मतलब कि अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 70। तो आपका कमेंट करके बताइए आपने कौन सा लगाया। इसमें हमारे करेक्ट आंसर है कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 74। अगला प्रश्न है अपने, तो इसमें हमारे प्रश्न है क्या है, तो जिसके द्वारा 1859 में रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र बनाया गया था? कैंपवेल, एवलोक, ओबम, थॉमस जोन्स बार्कर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, थॉमस जोन्स बार्कर। तो दोस्तों इसमें आपके कितने प्रश्न करेक्ट हो रहे हैं तो आप कमेंट करके बताना। इसके बाद बाकी जो जो भी क्वेश्चन रह रहे हैं उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं। आपका स्कोर कितना रहा कमेंट करके जरूर बताना, और आज का पेपर आपको कैसा लगा? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।